होते रहे। राम राम कर दो ना। राम राम जी, राम राम। और नहीं कह दो चैनल ने सब्सक्राइब करियो। चैनल तो सब्सक्राइब करियो और लाइक करियो। लाइक करियो वीडियो को। ठीक है भाई, करांगा ताई जी काम। जिंगल मतलब कोई टाइम को नहीं फिक्स। की टाइम को नहीं पण दशहरा के ऊपर राउंड जरूर बाड़ेगा। हाँ राउंड जरूर बाड़ेगा। कमल सिंह, तो दोस्तों हम आ गए नीम लेने के लिए, मीठा नीम जो कि हम कड़ी में डालेंगे। तो ये है मीठे नीम का पेड़ जो कि आप देख ही रहे हैं। अब ये किन किन के घर में लगा है और कौन कौन इसको इस्तेमाल करता है ये भी जरूर बताएं कमेंट करके, क्योंकि हम तो इसको सब्जी के साथ में या दाल के साथ में खाते हैं और बड़ा अच्छा स्वाद आता है। ये एक बार में इतना लेके चला जाऊंगा तो ये हमारे 5-6 दिन तक चलता रहेगा। ये चिकू बेटे क्या कर रहा है? तो पंचर हो गया साइकिल बोल दे। एक और लिया है भाभी, थोड़ी आगे उठा है पंचर को। गेल्डो सही है। गेल्डो की गेल्डो की बड़ा टूप निकाल के रूप के गाल देंगे तो हम पास लग जाएगी। अच्छा टूप निकाल के गाल देगा उनकी। बढ़िया बात है। जब तो स्कूल खुल गई तेरी? खोल तो दे। ये क्या है? यो क्या चिकू है? यो ठाठी डोंगो को नहीं है क्या? हूं बनायो ये बनता है दोस्तों मेट से और कागज को मीठ पानी के साथ में गला करके ऐसे बनता है ना। फली कहाँ छोल रहे होते? फली तो सब्जी के लिए। सब्जी के ताई कट गई है और फली भी देख लो कि साबु एकदम जचा जचा के तोड़ रहे हो। फली तो बन तोड़ के ला दी ना तुम के लिए। मां ये गुआर की और ये साफ करके तोड़ के रख दे। जोर को काम जी बना ले। फौजी आदमी हो यो काम जोर का सगड़ो काम डिसिप्लिन नु करेगा ना है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे रामचंद्र ताऊ जो कि चौधरी हैं, फौजी रिटायर्ड हैं और घर के काम करवा देते अपने मिसेज को। यो हथियार मूंग पाटन को चलो आज काटांगा मूंग। पापा मम्मी मैं साग मिल के ये देख रहे हो सगड़ा। अभी दोस्तों मूंग काटते काटते थोड़ा विश्राम का समय मिला है क्योंकि पापा जी अभी गए हुए हैं गाय को और जानवरों को पानी पिलाने के लिए। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये वहां से लेके यहां तक हमने अभी तक काट लिया है। लेकिन पापा अभी कह के गए थे कि बेटा ये ग्वार के पौधे मत काटना। और मैंने क्या किया, सोच सोच में कुछ और ही सोच रहा था और 6 से 7 पौधे जो है ग्वार के काट चुका हूं। अब पापा आएंगे उससे पहले पहले सबूत नष्ट करने अपने को, यानी कि उधर उधर इनको छुपा देना है ताकि पापा को ये लगे कि हाँ ग्वार से देखो अगर मैं बता दूंगा ना तो डांटेंगे नहीं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा उनको बुरा लगेगा कि मैं कह के गया था और उसने क्या क्या लापरवाही की है। बता देना चाहिए। चलो ठीक है बता देंगे। देखते आगे क्या होगा, अभी के लिए तो चल रहा है। वो देखो वो रहे पापा वहां पे, मैं जूम करवा के दिखाऊं। वो गाय लेके जा रहे हैं, गाय को पानी पिलाया। अभी वो आएंगे जब उनको कहूंगा कि मैंने ये नुकसान कर दिया, यानी कि एक तरह से जो मेहनत थी वो सारी की सारी चली गई। अब जो मेहनत है वो सिर्फ इसको फाड़ कर फेंकने की है। ये खराब हो गया सारा सब कुछ। ये देखो जो भी पौधा देखेंगे उन सब में यही हो गया, यानी कि एक तरह से धुआं निकल गया इनके अंदर से। ये देखो आज के लिए मूंग की कटिंग हो चुकी है, अब कल करेंगे बाकी की। अभी कहीं जरूरी काम से जाना है तो पहले वो फ्री करेंगे फिर उसके बाद में अपना काम करेंगे। पापा जी वह 4 गुमार का बूटा पड़े हो, थोड़ा तो करो ना। बल्ले आओ तो बकरा नहीं देता। मैं ले आऊंगा जाके वापस।
ओ गर्ल, ये वो गर्ल, शर्म आती है वो बूढ़ी को, हैं? ये देख, ये हमारे पीछे के पड़ोसी हैं, जिन्होंने अपना जो बाजरा है वो यहाँ पे कट कर लिया। और मजे की बात ये है दोस्तों, यहाँ पे इनके बोलते ना औरतें काम नहीं करती, करवाते नहीं है, यहाँ पे सब होता है। यहाँ पे जितनी भी फसल काटी है ना, अकेली एक औरत ने काटी है, मतलब एक सास एक बहू। अगर कैमरे में आएंगी तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा और आप उनके बारे में प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिए। देखो इतनी दूर की फसल इन दोनों ने काट ली है और इसको बाजरा बोलते हैं और इसके सिट्टे इन्होंने तोड़ लिए। अब यहाँ पे कई गांव के लोग हैं जो मुझे ये कहेंगे बाजरा बोलते हैं, हमें भी पता है, हमें क्या बता रहे हो। अरे आपको नहीं बता रहा, उन शहरी लोगों को बता रहा हूँ जो सीट के ऊपर बैठ करके बातें करते हैं ना, ये है किसान वो है किसान, उनको पता होना चाहिए कि इस मिट्टी से जुड़े रहने के लिए क्या क्या करना होता है। ये हम इनके घर आए हैं, इनसे कुछ खाली टिफिन लेना है जो कि हमें कहीं लेके जाना है किसी के लिए खाना, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ये देखो सब सो रहे हैं। राम राम ताई जी। राम राम, तन बात होंगे तो। एक तो डांडी लियानी है, एक तो पंखा की डांडी लियानी है और दो पंखा का सेल लियाना है। थोड़ी देर पहले एक हो, अब दो हो गए, सुने जाओ। और एक मेरे कूलर बड़े ही करा है, एक ताई को कूलर है जो बड़े ही करा है, मतलब इनके कराना है। अगली जाली गालनी है, जाली और बड़े को के मतलब हो भाई, बतायो मैंने भी सगड़ा थे। और और के तो सोच समझ के काम कर दिए। हाँ के तू को के को ना ताई थे तो नहीं रही हो ना, मन भी उन्हीं रागी हो नहीं, तू रेड का डोल करने लागो के बावरा तू तो थोड़ी घनी तू नहीं छाती पर हाथ दरवाई बुढ़ी जुगाई है आपको बेटो पर ऐसी जा रही हो थोड़ो गण मतलब सीधी सीधी बात है। ताई नु घर महंगा बेटा ही को नहीं आना, एक ही दो ही बेटा जामे एक हटी ना रवर एक गेड़ो कमांड में ठीक है जना भाई, बेटा भी नहीं करा लिया ताई तो तू बेटा जो तो तेन खूबी बदल गई बात ने भाई बहादरी को नहीं बदली भाई, करना पड़ोसी हो है वो पड़ोसी ना घर को आदमी हो है वो काम आवे काम आवे, तू काम ही को नहीं आ रहा हमारा, तू तो अच्छी से मतमती कर लिया। सुन लो भाई रे, कोई काम को नहीं आऊ मैं, फिर भी मैंने काम के भाई, कोई यो काम नहीं करे ना तो आना कोई काम नहीं देगा मतलब काम आऊ भी वो नहीं फिर भी काम उठाए जा रहे भाई, तू यो करिए डांडी गालिए सेल गालिए मेरो करे ने तो सरो काम दियो ने दियो मना यह बात ध्यान में रखे हुई सगड़ा, तो ताई जी काल आपा तुरंत प्रभाव से जल्दी करके देना ठीक है ना। ठीक है तो ना काम आ जाओ तेरे, राम राम कर दो। राम राम जी, राम राम। और नहीं कह दो चैनल ने सब्सक्राइब करियो, चैनल तो सब्सक्राइब करियो और लाइक करियो, लाइक करियो मेरो काम होना चाहे न हो तो ये वीडियो करना, वीडियो करना ठीक है भाई, करांगा ताई जी काम कर दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे ताई जिन्होंने ये फसल काटी थी, मैं बता रहा था ना आपको, वो तो क्या है थोड़ा हंसी मजाक वाले हैं। देखो बाबू देख, अरे कौन आयो रे हो,